वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति महारानी हूं। आई थिंक ऑब्वियसली कीर्ति महारानी विद अनदर वीडियो। एक सेकंड, सामान रख दूं गाड़ी में। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे मुंह पे ऐसे लिपस्टिक, काजल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ MRI के लिए। MRI मेरी अपॉइंटमेंट बुक है 9:30 की। 9:20 समय यही हो चुके हैं, जल्दी भगाई से। अबे भाई 11 बजे तक पहुंचना। नहीं, उसका फोन आया मेरे पास दोबारा। MRI की जो वो होती है मशीन, वो हटा दूं मैं अंदर, मतलब मेटेलिक चीजों को ऐसे खींच लेती है और वो बाहर आना मुश्किल होता है। और मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा है। ऑब्वियसली लिपस्टिक और ये मेटल वेटल नहीं है, बट ये सब रिंग विंग और घड़ी वड़ी सब। तो इतना मैजिक कर गया ना, तेरा सिर सारी अंदर डाल लेंगे वो, और तू अंदर जाएगी भी नहीं पूरी। तो मतलब फिर भी मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं किया। और मेरे को ऐसा ले आएगी तो गंदी शक्ल ही आएगी ना। नहीं, हमारे खानदान के लड़के बिना नहाए धोए भी सुंदर लगते हैं। वही तो मैं लगी इतना सुंदर रहा हूँ, ले फिर दोनों लड़कियों के चश्मे जो ये पहन रहा है, ये भी मेरा है। अच्छा तो लग रहा है ये वाला मेरे पे। नहीं, सॉरी, ऑन कर दे। ऑन नहीं है वो, गलती से ऑफ हो जाता है। अब हुआ ऑफ। लोग पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि दीदी ये कौन है। ये है मुंडा कुकड़ कमाल मुंडा कुकड़ कमाल। गाइस, मैं कीर्ति मेहरा हूँ और ये हर्ष मेहरा है। तो ये मेरा पति तो होगा नहीं, भाई ही है। लोकेशन पता है जो लेके जाया जा रहा है? तो ये क्यों इस रास्ते से लेके आया है? यही है रास्ता, नहीं उधर से निकाल सकते, थंडर पास से। क्यों? सही हो चुकी है ये मेरा दिमाग। कुछ नहीं आया, पूरा दिमाग खाली पड़ा है तेरा। वो भी डॉक्टर बताएगा। ये अनयूज्ड है इसलिए दर्द हो रहा है, ये यूज कर थोड़ा, दिमाग लगा अपना, कुछ तो कर। पूरा दिमाग खाली पड़ा है तेरा, ये देख। एक बार यूज नहीं हुआ ये, कभी ढंग की जगह पे यूज। गाइस, अभी ये हमारी फिल्म आई है, अभी बाकी डॉक्टर बताएगा। रखे से अंदर ज्यादा अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है। भाई मैं ही हूँ डॉक्टर, तेरा तो मैं ही हूँ, तेरे सारे इलाज मैं करा दूंगा। अभी देख, अंदर मशीन में घुसा दिया और ये बाहर बैठा हुआ सो रहा है। मैं सोऊंगा और क्या, नींद में उठा के लाएगा। और मैं धुक हो रही है मेरे को कि कोई कुछ खिंच खिंच के मेरे मुंह पे ना आ जाए। ये सोच रहा है कि कुछ हो गया तो बचाऊंगा कैसे। मेरे सर पे ना एक चोट लगी थी, यहाँ पे ऐसे छोटी सी, तो वो टाके लगे थे उसमें, मेटल के थे। तो MRI मशीन में ना मेटल ऐसे खिंच जाता है अंदर, सबको पता ही होगा। तो मैं एक बार मैंने इमरजेंसी बेल बजा दी। इमरजेंसी बेल बजा के मैंने बोला उनको, मैंने कहा मेरे को कुछ ऐसा जल सा रहा है, अब ये देखो यहाँ कुछ होगा तो नहीं कि मैं बाहर निकलूँ और ऐसे खून की नदियां बह रही हो। तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, क्यों टाका वाका भी नहीं फंसा हुआ था मेरा। तो वापस आ गई मैं, वापस इमरजेंसी बेल बजा के अंदर गई वापस से। पहले तो मैं बैठी, इतनी मुश्किल में हूँ कि मेरे को नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। चले भटूरे छोले खाने। अरे मेरे को ऑफिस जाना है। अरे तो छोले भटूरे खा के चलेंगे। नहीं मेरे को नहीं खाना, मैं तो कह रहा हूँ आज ऑफिस मत जा। चल पागल है, आधा भटूरा खा लियो। तो मैं घुसी, फिर अभी 15-20 मिनट उन्होंने अंदर बैठाए रखा और ये बाहर स्कीमें लगा रहा है अपनी, ऐसे हाथ लगाऊंगा और ऐसे नीचे कर दूंगा। उनकी मशीन भी खराब हुई है जिससे तू बाहर नहीं आ पा रही। मशीन मतलब मशीन खराब हो उनकी, वो जो बाहर आती है। हाँ। वो भी खराब हो गई कि अब तेरे को खींच के ही निकालना पड़ेगा। और लेकिन तू अंदर चिपकी पड़ी है, तेरा मत है जो मैं चिपका हुआ। तो अब उसको कैसे हटाऊं मैं? तो मैं ऐसे दीवार से लगा के उसकी, उससे ऐसे तेरे सर में घुसेड़ूंगा। पहले तो ये मशीन के अंदर डाइव मारेगा। ये तो अंगूठी सब उतार दी इसकी भी, मेरी भी। बट चलो अभी शाम को रिपोर्ट आएंगे तो पता चलेगा क्या है। बोला था वो कोई मेटल वेटल हो तो वो उतार देना, गोल्ड वोल्ड रहने देना। गोल्ड भी उतार दिया सारा अपने को, रिस्क अपने को रिस्क नहीं। मैं गोल्ड भी उतार दिया, सब उतार दिया। मैं उससे पूछ रहा हूँ ये धागा पहन सकता हूँ? कह रही है तो पहन सकते हो। मैं कहा नहीं, उतार ही देता हूँ भैया। क्या पता इसमें कोई साला फंसक का हो कुछ। और मैं काला धागा पहन के नहीं चलेगी। काला धागा तो मेरा नजर से बचाता है ना। मैं जाऊंगी ऑफिस, शाम को आएंगी रिपोर्ट, तो पता चलेगा कि क्या था। रिपोर्ट आएगी तो बताती हूँ गाइस। ओके, ये मेरे डाइट का खाना और इसका खाना देख लो। ये मेरी डाइट का खाना है, तेरे इसका है, ये देख। मेरी डाइट है वो, मैं नहीं खाता तो मैं पतला हो जाता हूँ, मेरे को मोटा रहना, मैं क्यूट लगता हूँ। बस लायक है क्या?
झूठ नहीं कहते इसे। तो गाइस रिपोर्ट्स आप देख चुके हो सब कुछ, मतलब प्रॉपर जो ऐसे रिटर्न में रिपोर्ट्स थी वो मैंने नहीं दिखाई, फिल्म दिखा दी है। और मैं वैसे बता रही हूँ कि उसमें सब कुछ नॉर्मल था, मतलब जो रिटर्न थी उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने पहले से जो चेक करे थे उन्होंने बोला था कि मेरे को कुछ लग नहीं रहा, बाकी डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी वो भी नॉर्मल थी, बट अभी हेडेक का असली तोड़ पता नहीं चला है। तो आई चेकअप जो किया वो भी नॉर्मल था, बट मसल्स मेरी बहुत वीक है, तो उसका मैंने स्पेक्स बनवा लिया, बहुत सुंदर दिखाऊंगी। मेरे को लग रहा है वो ज्यादा से ज्यादा यही बोलेंगे कि माइग्रेन है। कोई माइग्रेन नहीं, तो कुछ तो है। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं भी इनकी कह रही है मैंने 4 दिन चाय नहीं पी तो मैं डाइट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे अब नॉर्मली वेट गेन हो रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि ना मैं गंदा खा रही थी ना मैं कुछ कर रही थी, बट हो रहा था, नहीं समझ आ रहा था ना, ऐसा कुछ थायराइड आया ना कुछ आया। मैंने चाय वाय सब छोड़ दी सब कुछ, तो कह रही चाय नहीं पी इसीलिए तेरा हेडेक हुआ, बट वो जो दर्द था ना वो चाय की वजह से नहीं था, चाय की वजह से था। मैं बता रहा हूं था। देखो मुश्किल होता है कि एक अपने शरीर के अंग को एकदम खाली रखना, कभी कभी दर्द हो जाता है। तेरा तो डेली होना चाहिए। मेरा क्यों होना चाहिए, भरा पड़ा है खाली भूसे से। खाली चाय तूने पीनी, बचपन से पीती आ रही है, अचानक गैस चाय नहीं पिएगी। मैंने पिछले साल भी चाय छोड़ी। गैस पेट में बनेगी, सर में बनेगी। अरे तो पेट से चढ़ के तो सिर पे चढ़ती है। कैसे सिर पे चढ़ती? गैस सर में चढ़ जाती है। सिर पे क्यों नहीं चढ़ती? चढ़ती है, जब पेट में बनती है गैस, जब ऐसे ऊपर चढ़ती है तो मुंह आ जाता है नाक आ जाता है, जिससे हवा बाहर आती है, गैस यहाँ से बाहर आता है, टाइम ही नहीं लगता उन्हें। सिर पे चढ़ती है, सिर पे नशा चढ़ता है मम्मा। तो वही तो नशा ही तो फिर वो दुखी करते, जैसे हमें चाय नहीं मिलती जब तक ना पी लें, कहते ना हमारा सिर घूम रहा है। तो चाय मतलब नशा है मेरे लिए। हाँ नशा ही है, हम लोग को आदत हो गई है। तो अगर हम इसको, हमें नशे की आदत हो गई है मतलब। हाँ बताओ कौन सा ऐसा घर है जो रात को चाय पी के सोता है? आप मतलब कह रहे हो हम नशेड़ी हैं? हम भाई नशेड़ी, रात को बिना चाय पे तो मैं नींद। तो हम दारू भी पी लें जाके, मुंह पे चपेड़ ना मार दो। मम्मा देखो अगर इसको फिर ठीक करना है ना इसकी दर्द, तो इसे वाइन पिलानी पड़ेगी हमें। हाँ घर से बाहर निकल जाओ। वाइन इज नेसेसरी फॉर हेडेक। वेज होती है वाइन? इज वेज, वेज होती है। वोडका भी होती है? वोडका भी वेज होती है। सारे धंधे काम कर लो वो भी वेज। बट हम जब चाय का नशा कर रहे हैं तो क्या, आप तो कह रहे हो नशेड़ी। चाय कोई नशा नहीं होता, मतलब अभी तो अब चाय नशा नहीं होता। आप अपनी बात शुरू कर रहे हो। बाय, गुड नाइट एंड आई लव यू गाइस। एक चीज तो बोलने भूल गई, बता क्या? हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।